वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस, आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। और द ब्रेकफास्ट शो में आज का हमारा जो आखिरी सेगमेंट है वो क्या है जनाब? आज का आखिरी सेगमेंट है आयशाज टॉप पिक। तो आज की मेरी टॉप पिक क्या है? आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, कोई चीज़ हो सकती है, कोई बात हो सकती है, कोई थॉट हो सकती है, कोई आर्टिस्ट हो सकता है, कोई गाना हो सकता है। तो वेल जनाब, आज की जो है वो हमारी टॉप पिक, मेरी टॉप पिक ये है स्क्रैबल। आई नो बहुत सारे लोग स्क्रैबल खेलते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हमारी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है तो हम स्क्रैबल नहीं खेल सकते। लेट मी टेल यू, इट इज़ नॉट ट्रू। स्क्रैबल एक ऐसा गेम है जो आई एम श्योर हर एक को पता होगा क्या गेम है। इसमें आपको वर्ड्स बनाने होते हैं। मेरी फैमिली में बचपन से जो एक लैंग्वेज को बेहतर करने का तरीका है वो मेरे पेरेंट्स ने ख़ास तौर पर बार बार जो है वो प्यार मोहब्बत से मेरे दिमाग में ये डाला कि जब आप स्क्रैबल खेलते हैं तो आप सोचते हैं कि क्या ये लफ्ज़ हो सकता है, क्या ये लफ्ज़ नहीं हो सकता। और जो भी आपके पास अल्फाबेट्स होते हैं साथ, उसमें से जब आप कोई वर्ड बनाते हैं तो कभी कभी आप कोई ऐसा वर्ड सीखते हैं जो कि आपको पता भी नहीं था कि एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्योंकि वो वर्ड आपने खुद बनाया होता है इस वजह से वो आपको हमेशा याद रहता है। अगर हम कुछ स्टैट्स हैं कि अगर हम 100 जो अल्फाज हैं वो सीखते हैं उर्दू के, अंग्रेज़ी के, किसी भी ज़बान के, तो वो सारे के सारे हम रिट्रीव नहीं कर सकते, सारे के सारे हमें हर वक्त याद भी नहीं आ सकते। लेकिन अगर वो अल्फाज, वो वर्ड्स हमने खुद बनाए हैं और उसके बाद जाके डिक्शनरी में देखा है कि ये कोई वर्ड्स हैं भी या नहीं है, तो फिर हमारा बहुत ज़्यादा एक चांस होता है टू रिट्रीव देम। बिकॉज बड़ी बहस की होती है हमने स्क्रैबल खेलते हुए कि ये वर्ड है, मैं कह रही हूँ कि ये वर्ड है और उसका मतलब ये है, तो फिर हमें उसका मतलब भी याद रहता है, और क्योंकि मतलब याद रहता है तो हम उसको डिफरेंट किस्म के सेंटेंसेस में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दिस कुड बी अ वेरी गुड क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली, और फैमिली से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं होता। तो फैमिली के साथ सिर्फ और सिर्फ खाना शेयर करना इज़ ओके, बट उसके बाद ये जो बोर्ड गेम्स हैं ये आपकी फैमिली के बॉन्ड को भी बढ़ाएंगे और एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी फैमिली लाइफ की क्वालिटी को भी जो है वो उसमें इजाफा करेंगे, उसको बेहतर करेंगे। सो ये थी आज की हमारी टॉप पिक, एंड आई एम इसको यहाँ रखते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये टॉप पिक जो है वो एकदम से हर घर से जो है ना वो स्क्रैबल जहाँ भी आपने निकाल के रखा हुआ था वो निकलेगा और आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। आज हमने बात की थी, जब हम बात करते हैं काम की बात पे, ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में। ईटिंग डिसऑर्डर्स का मैं चाहूँगी कि ये भी हम ज़रूर मेंशन करें कि आज हमने सीखा ये है कि ईटिंग डिसऑर्डर्स का एक बहुत बड़ा ताल्लुक होता है बॉडी की इमेज से। और कभी भी किसी को भी इस किस्म का वर्ड बोलना, काला, पतला, मोटा, गोरा, जब आप ऐसा कुछ कहते हैं तो उससे किसी और इंसान पे फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन आप अपने जो है ना वो थॉट्स की अक्कासी करते हैं और आप किसी को एक बॉक्स में बंद नहीं कर सकते कि अच्छा क्योंकि इसका बॉडी वेट ये है तो ये इंसान ऐसा है। नहीं, ये सिर्फ हमारे लुक्स हैं, मगर जो हमारी सोल है, जो हमारा प्रोफेशन है, जो हमारे सोचने का तरीका है, वो हमें डिफाइन करता है। ये सारे लुक्स आज हैं, कल नहीं हैं। वेट का ताल्लुक अगर सेहत से है तो यस, डेफिनेटली आप उस पर जो है वो तवज्जो दे, काम करें, लेकिन प्लीज दूसरों को और अपने आप को इस बॉक्स के अंदर कैद ना करें। आप इससे कहीं ज्यादा हैं, आप पतले मोटे होने से ज्यादा हैं, आप गोरे कम गोरे सांवले होने से ज्यादा हैं। तो वेल, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज का शो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखा होगा। अब होगी मुलाकात कल के दिन, नेक्स्ट दिन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।